ये आसपास में पूरा पत्थर सब गिरा हुआ था क्योंकि ये वाला घर बनाया ना हम लोग, तो उसको सब हटा दिए, उस तरफ रख दिए, आधा घंटा समय दिए और सब हटा दिए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक पत्थर का टुकड़ा सब था और हमने हटा दिया और एक जगह यहाँ पर रख दिए हैं। और ये है नींबू गाछ, यहाँ पर एक ठू नींबू का फल भी है, पहली बार फल दिया है। यहाँ एक ठू है और उस तरफ दो ठू है वहाँ पर। पूरा साफ कर दिया, इधर बांस सब था उसको भी हटा दिए और अभी हम नहाने चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम लोग रुकड़ा खोज रहे थे और आज मिल गया। ऐसे हम लोग जंगल की तरफ तो जाते नहीं हैं खोजने के लिए, बाजार से लेकर के आए हैं और ये 100 रुपया का लेकर के आए हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। अभी हम लोग इसको पानी में डाल देते हैं क्योंकि इसमें पानी में इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह लगे रहता है और इसको कम से कम कुछ देर तक डाल कर रखना होगा, तब जा करके साफ होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है रुगड़ा जो कि इसमें मट्टी लगा हुआ है, अभी हम लोग इसको पानी में डाल दिए हैं। इसको थोड़ा से साफ करने में परेशानी है लेकिन इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। ये साल में एक बार मिलता है जो कि मिट्टी के अंदर में ही निकलता है। और हम लोग के यहाँ जंगल तो है लेकिन काफ़ी दूर है, हम लोग जाते नहीं हैं और जाने से तो मिलता है लेकिन समय नहीं मिलता है ना, तो इसलिए हम लोग खरीद करके ही खा लेते हैं। थोड़ा देर तक अभी रख देते हैं पानी में भिंगा करके, तुरंत तो साफ नहीं होगा, ये बहुत सारा मट्टी लगा हुआ है, 2-3 बार पानी चेंज करना होगा। ये पूरा मटमैला हो गया पानी भी। ये रुगड़ा को हम लोग साफ कर लिया है और इसको तोड़ दिए, ये काला काला दिख रहा है, ये थोड़ा सा पक गया इसलिए काला काला दिख रहा है। और ये चावल थोड़ा सा भिंगा के रखे, इसको पीस लेते हैं। ये सरसों तेल डाल दिए दोस्तों, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ये तेल गर्म हो चुका है दोस्तों, हरा मिर्चा का छौंका लगा दिए हैं। ये टमाटर फ्राई हो चुका है दोस्तों, अभी रुगड़ा डाल देते हैं। ये रुगड़ा को डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये रुगड़ा फ्राई हो चुका है दोस्तों, इसमें मसाला डाल देते हैं। केवल मसाला डाल रहे हैं क्योंकि अभी प्याज और लहसुन कोई खाता नहीं है। और ये स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिए। अभी थोड़ा सा इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं। और अभी इसमें हम लोग ढक्कन लगा देते हैं और कम से कम 5 से 10 मिनट तक पका लेते हैं ताकि रुगड़ा अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। ये मुर्गा सबको दाना दे दिए, अभी शाम हो रहा है, बिना खाए ये लोग घर के अंदर घुसते ही नहीं है। ये 10 मिनट से भी ज़्यादा हो गया दोस्तों, ये देख सकते हैं थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। और ये चावल को हम लोग पीस के रखे थे, इसमें थोड़ा पानी डाल करके अभी हम लोग रुगड़ा में मिला देंगे इसको। ये रुगड़ा में हम लोग चावल को मिला दिए हैं। और थोड़ा देर तक उबाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, खूब मस्त बन गया है। हम लोग इसमें चावल जो पीस करके डाल दिए हैं उसके बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये लगभग अभी तैयार हो चुका है, इसे अभी हम लोग उतार देंगे। ये देखिए दोस्तों, खूब मस्त बन गया है। हम लोग इसमें चावल जो पीस करके रखे थे उसे भी डाल दिए हैं। खाना निकाल लिए दोस्तों, खाने का टाइम हो गया है। और ये है हम लोग का रुगड़ा का सब्जी।
आज बनाए दोस्तों हम लोग रुगड़ा का सब्जी, जो कि हम लोग का झारखंड का फेमस सब्जी है। और इसमें हम लोग चावल डाल करके बनाए दोस्तों, खा करके देखते हैं कैसा टेस्ट लग रहा है। बहुत मस्त लग रहा है दोस्तों, पहली बार हम लोग भी इसमें चावल डाल करके बनाए ना, बहुत ही अच्छा स्वाद लग रहा है। और ये हम लोग का रात का भोजन है दोस्तों, गाँव देहात में थोड़ा हम लोग जल्दी खा देते हैं। चलिए दोस्तों खा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।